हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना विकेट ठाकुर और आप देख रहे हैं फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूज में। क्या कहना है, कंट्रोवर्सी साथ ही साथ चल रही है। काफ़ी बातें आपने बताई है चंद्रिका जी के बारे में। क्या कहना है, कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे आप इस चीज़ों में फंसे, अगर आप बताना चाहें तो। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई एक मीडिएटर के थ्रू, अपने भाई हैं वो, उनका फ़ोन आया था कि चंद्रिका को सपोर्ट करना है। मेरा एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस है, तो उसके रिगार्डिंग सारा, जैसे जिस भी तरीके से बिग बॉस की प्लानिंग हुई और सब मैंने मेहनत करी, मेरी पूरी टीम ने मेहनत करी, सारे इन्फ्लुएंसर से उसकी बात कराई, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके लिए करी, तो यही मेरा मुद्दा है सबसे पहला। तो जैसे आपने अपने वीडियोस में बताया कि आपने दिनों रात मेहनत किया, पीआर किया, उनकी सारी चीज़ों में हेल्प किया, प्लानिंग प्लॉटिंग, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, उनकी तरफ से पहले तो रिस्पॉन्सेस भी नहीं मिले इस बात पे। जब मैंने चंद्रिका को अकाउंट डिटेल भेजी कि जिससे भी मैंने मेरे थ्रू काम हुआ है आप उसको पेमेंट कर दीजिए, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, अभी तो हम बात कर रहे थे, काम करवाना नहीं था, ये था वो था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मीडिएटर से बात करता हूँ। मैंने उनसे बात करी, उनको सारी प्रॉब्लम समझाई, बट वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी जगह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया गया। उसके बाद मेरे फ़ोन उठाने बंद हो गए, एक दिन, दो दिन, चार दिन निकले, ये लोग मुंबई भाग के आ गए मुझे बिना बताए, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो यही हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है उस चीज़ की, बट काम हो चुका था उससे पहले। काम तो हो ही चुका था, वो तो मैं चंद्रिका को भेज चुका था, मेरे पास चैट है पूरी, चंद्रिका का मैसेज भी आया, ओके थैंक यू। तो थैंक यू से काम थोड़ी चलता है, जिससे आपने काम करवाया उसके आप पैसे दो, थैंक से थोड़ी काम चलेगा, पैसों का काम तो पैसा ही करेगा। तो वो नहीं दिया, उसके बाद ये लोग मुंबई भाग के आ गए। देन जब बिग बॉस जाने से एक दिन पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि आज मेरा रात में, अभी सुबह 6 बजे पिकअप है और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं रहेगा, तो आप सपोर्ट करना। तो मैंने उसको बोला, अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है आपको, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, टीम है, सब नॉलेज है, क्योंकि जब इतने दिन से मुझे इग्नोर किया गया और इतने दिन मेरे फ़ोन नहीं उठाए गए, तो फिर मेरा भी ताना मारना उसको बनता था। बट उसके अगले दिन भी जब वो चली गई, मैंने 2 कॉल करे मीडिएटर को, उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो बस उसके बाद मैंने वीडियो डाली कि भाई सब मैं एक्सपोज कर दूंगा, क्योंकि जितनी इनकी प्लानिंग्स है ना, वो सब मेरे फ़ोन में, सब क्या क्या प्लानिंग हुई, मैंने क्या क्या इनकी हेल्प करी, कैसे क्या क्या नहीं, बिग बॉस जाना, ये सब कुछ, वो सब मेरे माइंड का गेम है, तो वो सब मैं रिवील कर सकता हूँ चाहूँ। एंड आपको डेथ थ्रेट्स भी मिले उनकी तरफ से, धमकियाँ मिली है बेसिकली। बहुत बड़ी धमकी दी है उन्होंने मुझे कि दिल्ली आ, तेरे को तब बताएंगे, रातों रात गेम बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, और उन लोगों को शायद मेरे बारे में भी पता ही नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा है। और मैसेज डिलीट कर दिया गया, जैसे ही आपको पता होगा वो ब्लू टिक आ जाता है सीन वाला, तो जब मैंने मैसेज देखा तो उसके 2-4 मिनट में वो अनसेंड कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया गया, धमकी जो मुझे दी गई थी व्हाट्सएप पे, वो चंद्रिका के फ़ोन से आई थी पर्सनल, पता नहीं किसने भेजी थी, उसके पति ने या उसकी टीम में से किसी ने, तो वो डिलीट कर दी गई। तो उन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। चंद्रिका की अगर हम बात करें तो उनकी इमेज जो बदली है फ्रॉम नेगेटिव टू बिग बॉस में आके, जैसे उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई है, बहुत पॉजिटिव हो गई है। सो इस बोलते ना चेंजिंग इमेज में आपका भी हेल्प रहा है? देखो, हमने उसको ये तो पूरी प्लानिंग हमने बताई थी कि किस तरीके से कैसे, क्योंकि वो ना नेगेटिव है, जो वो दिखती है ना बिग बॉस से पहले, वो सब जेन्युइन चीज़ है, वो नेगेटिव ही है, तो वो नेगेटिव थी, अब उसको पॉजिटिव कैसे करना था, वही सब प्लानिंग मैंने करी, मेहनत करी, मेरी टीम ने करी कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे होगा। धोखा ही तो वो है, और पूरी बहुत जाली लोग हैं, बहुत जाली लोग हैं ना बिग बॉस के घर में, वो एक मुखौटा लेके चल रही है, सबको दिख रहा है, वो तो सभी को दिख रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किस तरीके से वो फेक बन के दिखा रही है, सिंपति ले रही है, खामखा रो रही है, बच्चे की याद आ रही है। अरे बच्चा एयरपोर्ट पे गिर गया तो तूने उठाया नहीं, और अब बच्चे की याद आ रही है, क्या ही बोलूं यार। विक्की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई तब आपने क्यों नहीं कहा, और अब जब उन्होंने बिग बॉस में एंट्री ले लिया तो अब आप क्यों ये बातें सामने ला रहे हो? मैं वेट कर रहा था ना, मैंने आपको बताया कि मैं कॉल का वेट कर रहा हूँ, मैं रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ कि यार कोई रिस्पांस आए, बात करें मुझसे। जब कुछ नहीं हुआ तो एक टाइम आता है कि सर से ना पानी ऊपर हो जाता है, जब वो चली गई कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा यार ये तो विक्की ठाकुर, तू मतलब धोखा मिल गया, ये तो मतलब वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, तू तो सी बन गया, ये कोई बात नहीं। तब मैंने आवाज़ उठाई कि तुम्हारे खुलासे सारे मैं कर दूंगा अगर मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, और आज तक नहीं किया गया, देख लो आप। और उसका पति कहता है एक इंटरव्यू में किसी ने कि नो कमेंट्स, अरे नो कमेंट्स क्यों कह रहे हैं भाई, कमेंट करना, अगर तुम लोग सही हो तो कमेंट करो, वो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको पता है कि वो लोग सही नहीं है।
पहले तो चलो चंद्रिका जी ने या उनकी टीम ने या उनके हस्बैंड ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जब अब वो कह रहे कि सिर्फ नो कॉमेंट्स, बट क्या अभी बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद उनके हस्बैंड ने अगर आपसे कोई बात वगैरह की हो? नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, कुछ नहीं। नॉर्मल उनके वो लास्ट धमकी वाला मैसेज आया था चंद्रिका के फोन से, उसके बाद कुछ नहीं। ओके, कुछ लोगों का ये भी कहना है ना कि लाइक यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस OTT 3, इसलिए आपकी ये चीज़ें चल रही है। बहुत पहले, शायद एक डेढ़ महीना पहले ही मैं एक स्टोरी डाल चुका था कि मुझे बिग बॉस OTT 3 के सीजन में नहीं जाना, जब तक सलमान खान बिग बॉस में नहीं होगा तो उसमें जाने का मजा ही नहीं है। तो ये तो मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, मेरा वो टारगेट ही नहीं है। अच्छा, सलमान खान एक वजह होते हैं आपके लिए बिग बॉस जाने के, लेकिन अनिल कपूर की बात करें तो उनके लिए आपको कुछ कहना है? देखो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर की, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। जब हम छोटे होते थे तो बहुत मतलब गाना सुनते थे। एक्चुअली मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और सबसे प्यारा गाना शायद उन्हीं की मूवी का है, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, और हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं। कभी मुझे मिलेंगे तो मैं उनका आशीर्वाद, उनके पैर छू के जरूर लूँगा, बट OTT 3 में जाने का मेरा मकसद ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान किसी का फैन होता है, किसी को चाहता है। तो मैं सलमान सर का बहुत टाइम से सलमान भाई का फैन हूँ, उनको चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मेरे दिल है कि हाँ अगर कभी भी जाऊँ तो मैं सलमान भाई के उसमें शो में जाऊँ। आपने नीरज के साथ भी वीडियो डाली थी कि ये इलेक्शन काफ़ी फेयर हुआ है घर वालों के डिसीजन से, नॉट बाय ऑडियंस के वोट, क्या कुछ कहना है? जब आपकी बातें उनसे हुई, उन्होंने कुछ बताया घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में, चंद्रिका के बारे में आपको? बहुत बहुत गलत हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ। वो तो निकलना बनता ही नहीं था उनका, निकलना बनता किसी और का था, और निकाल दिया उनको। यार बताओ, इतना बढ़िया इंसान जिसने 4 दिन में किसी से लड़ाई नहीं करी, सबकी हेल्प करी, सबके लिए आवाज़ उठाई, हमारे देश का इतना बढ़िया प्लेयर, इतनी बढ़िया बॉक्सिंग, जिसने हमारे देश का नाम रोशन करा, आर्मी के लिए खेला, आर्मी का नाम रोशन करा, मतलब इतना नाम रोशन करने के बाद आपने उसको 4 दिन में निकाल दिया बिना किसी पब्लिक वोटिंग के। अरे पब्लिक का तो वोट लेते हैं, वोट दिया किसने? एक पायल ने, एक वो वड़ा पाव ने, और एक पता नहीं सना सुल्तान ने, तो आपने निकाल दिया यार, बाकी सब उसके सपोर्ट में थे। तो ये चीज़ गलत है, बहुत गलत करा, उसको नहीं निकलना चाहिए था। वो हमारे देश की आन बान शान है और वो रहेगा, उसको बिग बॉस की ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, उसको देश की इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां मिल चुकी है ना कि वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो नीरज को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आई लव यू मेरे भाई, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपने तो चंद्रिका जी के गेम के बारे में बोल दिया है कि उनकी गेम पर्सनालिटी दोनों ही फेंक है, लेकिन उसके अलावा घर की बात करें तो किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है? शिवानी सबसे बढ़िया खेल रही है, सबसे बढ़िया वो लड़की है, रियल है, और मतलब उससे बढ़िया कोई कंटेस्टेंट नहीं है, और उसके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। अभी आप देखना, जियो की सब्सक्रिप्शन जितने लोग नहीं ले सकते, 29 रुपये की है, किसी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, बट होता है कई बार गरीब लोग फैमिली से गाँव के रात के नहीं ले पा रहे, तो कम से कम 1,000 से 5,000 लोगों को मैं सब्सक्रिप्शन दूंगा शिवानी के लिए। शिवानी को वोट करो, उसको सपोर्ट करो, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही अच्छी रियल है। शिवानी को लेकिन कहीं ना कहीं ट्रॉल किया जा रहा है कि सिर्फ एक एक्सेंट लेके चल रही है जो उनका USP है, या कल के एपिसोड में कि उन्होंने ज़बरदस्ती फाइट की है, या लाइफ फिट में जब पोलोमे को धक्का लगा या उन्होंने दिया तो उसने आके कुछ माफ़ी भी नहीं मांगी टाइप ऑफ बातें जो हुई है, सो आपको इस बारे में क्या कहना है उनको जो फेक या नेगेटिव बताया जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको, पहली चीज़ तो वो रियल है, वो देसी है। देखो जिसको जो भाषा आती होगी वो उसी भाषा में बात करेगा ना, ज़बरदस्ती उसको इंग्लिश आती नहीं तो वो इंग्लिश में कैसे बात करे? उसको अपने वो गांव में रहिए, गांव में पली बड़ी है तो वो उसी भाषा में बात करेगी, सिंपल सा फंडा। और खामा का उसको ट्रोल किया जा रहा है, दो लोग भागे, दोनों का आपस में टकराव हुआ, वो गिर गई, दोनों को लगी, ठीक है, पहली चीज़ तो ये, उसने उसको धक्का नहीं दिया। उसके बाद जब अरमान जो लड़ाई करवाना चाह रहा था, अरमान लेके भी गया उसको, वो मानी। देखो अगर कोई ज़िद्दी होता ना तो वो नहीं मानता, मेरी तरह तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता कि भाई मैं नहीं जा रहा, भाई जिसको जरूरत होगी मेरे पास आ जाएगा, बट वो फिर भी बेचारी इतनी सीधी है, वो गई माफी मांगने और उसको गालियां दे के भगाया गया, गालियां दे के। ये तो शो की कंडीशंस है कि वो कुछ कर नहीं सकती, मेरे जैसा इंसान होता ना तो शो सब छोड़ के पहले तो उसको मारता, गाली क्यों सुननी किसी की? उसके पास अपना फेम है, अपना फैन बेस है। तो शिवानी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, बेटा गाली नहीं सुननी किसी की, विक्की ठाकुर तुम्हारे पीछे खड़ा है हर तरीके से, गाली सुन के आगे नहीं बढ़ना किसी की भी। तो उसने बहुत गलत वर्ड यूज करे, लेकिन शिवानी इतनी शरीफ है, वो फिर भी बेचारी चुप हो गई, उसने कुछ नहीं बोला, वो एक कोने में जाके रोने लगी।
विकी आपने अरमान का नाम लिया, तो अरमान की अगर हम चीज़ें देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते लेके वो घर में गए हैं, आपको इस बातों पे क्या कुछ कहना है? बहुत गलत है, हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को क्या मैसेज जा रहा है कि मतलब आप दो बीवियां लेके एक शो में जा सकते हो, हिंदुस्तान के इतने बड़े रियलिटी शो में आप दो बीवियां लेके जा सकते हो, ऐसे तो फिर कोई मतलब ये लड़कियों को क्या मैसेज दे रहे हो कि कोई लड़की भी अपने दो हस्बैंड लेके चली जाए, मतलब ये क्या समाज में ये क्या चल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत गलत चीज़ें हैं। और अरमान पे तो पहले भी रेप केस चला है, उस पर शायद 2018-19 में शायद चला है, जो भी जेल में भी वो गया था, तिहाड़ जेल रह के आया है, और उसका साइबर वो जो क्राइम होता है ना, जो क्या कहते हैं उसको, कॉल सेंटर वगैरह का जो बाहर से फ्रॉड करके पैसा मंगाते हैं, वो भी उसका था। क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं पुराना जानता हूँ थोड़ा सा कि हाँ भाई उसके बारे में, ना मैं अरमान से कभी मिला हूँ ना ही कभी मुलाकात हुई है, बट हाँ मुझे पता है उसके बारे में कि वो किस बैकग्राउंड से है। विकी लास्टली, आपने अपनी सारी बातें रखी है, बट अब क्या आप कोई लीगल एक्शन लेने वाले हो, या क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे चंद्रिका जी को, उनकी टीम को? मेरे पेरेंट्स, मेरी टीम, मेरे बड़े बुजुर्ग, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी चंद्रिका को आने दो, लीगल एक्शन ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आमने सामने बैठ के काम करा जाए, क्योंकि बात करी जाए, सॉरी, आमने सामने बैठ के बात करी जाए, क्योंकि हमने एक साथ बहुत समय बिताया है, एक साथ काम किया है, प्लानिंग्स करी है, मेहनत करी है, तो एक बार पूरी टीम के साथ बात करी जाए, उसके बाद कोई लीगल एक्शन लिया जाए। Thank you.